क्या हमारा और आपका दिमाग का स्विच कुछ एक जर्मन में बैठे हुए यूट्यूबर्स के हाथ में है कि राम मंदिर एक बेकार चीज है जो पूरी तरीके से इस मंदिर के एक्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देते हैं। तो अब जरा आप सोचिए कि एक तरफ कहा जा रहा था कि डिक्टेटरशिप भाई हो रही है, अब वो लोग रो रहे हैं कि डिक्टेटरशिप भाई क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों, आपकी बुक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अब आ चुकी है, अब आपको प्री बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आज आप बुक करेंगे तो 3 से 5 दिन के बीच में आपको यह पुस्तक प्राप्त हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं क्यों नहीं हो रही है डिक्टेटरशिप, और जिसको लेकर के बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हैंडल्स बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने पहले वीडियो बना दिया था जिस वीडियो के आधार पर बड़े बड़े नेतागण ट्वीट करते हैं, उसके आधार पर बताते हैं कि इस बार कांग्रेस 350 पार जा रही है, 400 पार जा रही है, अरे 500 के 500 ही जीत ले रही है। उसके आधार पर नरेंद्र मोदी जी डिक्टेटरशिप आखिरकार क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उसके आधार पर तानाशाही क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार के अंतर्गत आने वाली पुलिस उन लोगों को डिटेन करने की बात कर रही है, उनका घर का पता पूछ रही है जिन्होंने एक वैसे ही एक हास्यास्पद वीडियो बना दिया था ममता बनर्जी के नाम पर, जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिनके ऊपर भी यही सेम टू सेम वीडियो बनाया गया था, लेकिन वो उसी वीडियो को रीट्वीट करके कहते हैं कि इस इलेक्शन के माहौल में इस तरीके के फनी वीडियोज आते रहने चाहिए और मैं भी इनको देखता हूँ। वो ह्यूमर को प्रेज कर रहे हैं, और यही नहीं, वो वोटिंग करने के लिए अगले दिन उसी तरह के कपड़े पहन करके जाते हैं जिस तरीके के कपड़े उनको इस एनिमेटेड वीडियो में पहनाए गए थे। अब आप जरा खुद सोचिए कि कैसा डिक्टेटर है भाई जो अपने आप को मजाक बनाए जाने को भी रीट्वीट करके एंजॉय कर रहा है। दूसरी तरफ पूरे के पूरे लिब्रांडो गिरोह की मनपसंद नेताणी अर्थात ममता बनर्जी हैं, जो कि उनके लिए विकास की प्रतिमूर्ति हैं, लेकिन उनकी पुलिस खुद तानाशाही करती हुई नजर आ रही है। हमें यह भी बताया गया था कि लव जिहाद कहीं भी एक्सिस्ट नहीं करता है, इस पर बड़े वीडियोस बनाए गए थे, लेकिन जिस व्यक्ति यानी कि श्रीनिवासन जैन ने इस पर बुक लिखी थी उसका वीडियो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो वो भी कह रहा है कि तकरीबन 150 केस आए थे जिसमें इसकी 50% तो फेक ही थे। तो भाई जो 50% रियल केस थे उनके ऊपर तो बोल लेता, 50% के आधार पर वो कह दे रहा है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम आज के हालात को देखें तो अभी भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस और ऐसी खबरें आपको मिल जाएंगी कि जिसमें हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला करके या मुस्लिम लड़का नाम बदल करके लव जिहाद कर रहा है। हमें यह भी बताया गया था कि किस प्रकार से मुसलमानों को इस मोदी गवर्नमेंट के अंतर्गत हिंदूवादी लोग दबा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमें देखने में ये आ रहा है कि एक 27 साल का मौलाना पाकिस्तान से 1 करोड़ रुपए मंगवा लेता है और ये सुपारी होती है 4 लोगों की और उनका सर तन से डैश डैश करने के लिए। बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो YouTube फिर से इस वीडियो को भी डिलीट कर सकता है। तो अब जरा आप सोचिए कि एक तरफ कहा जा रहा था कि डिक्टेटरशिप भाई हो रही है, अब वो लोग रो रहे हैं कि डिक्टेटरशिप भाई क्यों नहीं हो रही है। एक तरफ उन्होंने कहा था कि लव जिहाद नहीं होता है, दूसरी तरफ लव जिहाद हो रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा था कि मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा है, उनको इस मोदी काल में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, जबकि वही प्रताड़ित समाज पाकिस्तान से करोड़ों रुपये मंगा करके हिंदुओं का सफाया करने की सुपारी ले रहा है। अब फैसला आपको करना होगा कुछ तथ्यों के आधार पर कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है, क्या हमारा और आपका दिमाग का स्विच कुछ एक जर्मन में बैठे हुए यूट्यूबर्स के हाथ में है या फिर लगातार 60 साल तक इस देश का खून चूसने वाली पार्टियों के हाथ में है। जरा विचार करते हैं। कुछ मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि वोट उनके नाम पर बिल्कुल भी मत कीजिए जो कि मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन इसी समय पर हमने देखा कि सलमान खुर्शीद की भतीजी स्वयं कह रही है कि हमें वोट जिहाद करना है। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं।
अर्थात वोटों के लिए सभी मुसलमानों को संगठित होकर के केवल मुसलमानों को वोट करना है, और वो एक कांग्रेस लीडर हैं इसलिए उनका संकेत साफ था कि उनको कांग्रेस के लिए वोट करना चाहिए। यह भी एक तरीके से मजहब के नाम पर वोट मांगना ही हुआ। लेकिन इस तरीके की वीडियो या इस प्रकार के जो बयान होते हैं वो नरेंद्र मोदी या भारत की सरकार को डिक्टेटर बताने वाली नज़रों से काफ़ी दूर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र इसी प्रकार का वीडियो आता है जिसमें कि काफ़ी सारे मौलाना खड़े होकर के चार कैंडिडेट के नाम बोल रहे हैं और अपने टोपीधारी पूरे के पूरे समाज को, पूरी की पूरी जमात को बता रहे हैं कि हम इनकी तरफदारी कर रहे हैं, आप वोट इनको कीजिएगा। एक तरफ कहा जाता है कि मजहब के नाम पर वोट नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं का समाज मजहब के लिए ही वोट करें ऐसा आवाहन अपने लोगों से कर रहे होते हैं। डबल स्टैंडर्ड की परिभाषा इससे अव्वल नहीं हो सकती थी। एक और मामला देखते हैं। वैसे तो समाजवादी पार्टी के विषय में हम सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने अपने आप को मुल्ला मुलायम सिंह कहला करके बड़ा फख्र महसूस किया था। आप सभी जानते हैं कि उनके द्वारा कितने कार सेवकों का नरसंहार करवाया गया था। यह भी आप जानते हैं कि उन्होंने स्वयं भी कहा था कि अगर मौका मिलता तो मैं और भी कार सेवकों को मरवा देता। लेकिन अभी उनके भाई ने कहा है कि राम मंदिर एक बेकार चीज़ है, वो तो पूरी तरीके से इस मंदिर के एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देते हैं। अर्थात वो भी एक पक्ष को, एक मजहब को खुश करने के इतने चक्कर में डूब चुके हैं कि वो स्वयं इस बात को भी भूल गए हैं कि वो स्वयं भी एक हिंदू हैं और वो अपने आप को कृष्ण वंशज कह करके ही वोट मांगने जाते हैं। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि 7 तारीख को जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, राम का नाम लेने वालों का हम क्या करेंगे, आप स्वयं सुनिए। 7 तारीख को तीसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैनपुरी का चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद हम बता दें। ताकतवर हम बहुत है, बस सत्ता की ताकत में नहीं है। हाँ। कि लड़के हमारे भरे बैठे हैं, हम ही उन्हें रोक के रख रहे हैं और हम चाहेंगे कि रुके रहे वो। ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ अभी। ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ अभी। इस व्यक्ति का नाम था गगन यादव, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पूरे के पूरे सपाई समाज के विषय में हम जानते हैं कि जो उनके कोर वोटर हैं या उनकी जो अंधभक्ति करने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से इस समय पर राम मंदिर या राम भक्तों से चिढ़े हुए बैठे हैं। वो इस बात में फक्र महसूस करते हैं कि हमने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी या फिर हमने जैसे तैसे करके राम मंदिर के मामले को रुकवा करके रखा था या फिर हमारे कार्यकालों में किस प्रकार से हमारी अनुमति के बिना रामलला के ऊपर से टेंट भी नहीं बदला जाता था, चाहे वो लू गर्मी बरसात या ओलावृष्टि में किसी भी प्रकार से त्रस्त रहे हों। इस बात पर फक्र करने वाले लोग भला राम भक्तों को क्यों ही बख्शेंगे जिन्होंने राम भक्ति तक को भी जुर्म करार कर दिया था। तानाशाही की बात चल रही है तो फिर आम आदमी पार्टी की बात क्यों ना हो। अमानतुल्ला खान के बेटे ने नोएडा में घुसकर के पेट्रोल पंप पर उसके मालिक तक को पीट डाला। अमानतुल्ला खान ऑफिस में जाते हैं और फिर से धमकी भरे अंदाज में ही बात करते हैं, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं छेड़ते हैं क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड कम्युनिटी से आता है और इसी कारण से वो लोग जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के काल में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, वो इन आवाज़ों को नहीं देखते जो बिना किसी बात के ही एक मासूम व्यक्ति तक को पीट देते हैं और फिर उस पर उठने वाली आवाज़ों पर भी अंकुश लगा देते हैं। मुस्लिम महिलाएं, उनका वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो स्पष्ट तौर पर मान रही हैं कि हमें नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ दिया है। सर, मोदी ने ऐसे तो बहुत कुछ किया है, गरीबों को उन्होंने पेंशन दी हुई है, बड़ा कुछ शौचालय बनाए हुए हैं, घर उन्होंने दिए, बड़ा कुछ किया मोदी ने। लेकिन ये चीज़ है कि मैं खुद हिंदुओं के ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर उन्होंने हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनाया तो क्या मुसलमानों के लिए उन्होंने मस्जिद नहीं बना सकते थे? लेकिन क्या वो लोग नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को वोट करेंगे? एक आर्टिकल को जरा पढ़िए, इसमें स्पष्ट कहा है मुसलमानों ने कि हमारे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन हम उसके लिए वोट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे ईमान के खिलाफ है। उस मानसिकता को आप जरा देखिए कि जिसके अंदर जहर भर दिया गया है उस एक दल के प्रति जो उनके वेलफेयर के बारे में सर्वाधिक सोचता है। हम भी अक्सर कर बहुत इरिटेट हो जाते हैं जब
नरेंद्र मोदी या सरकारें बार बार पसमानदा मुसलमानों का कल्याण, 35% मकान, 50% उनको टॉयलेट, 60% पानी, 80% छात्रवृत्तियां दे दी गई हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो वोट नहीं करते, और उसका कारण ये है क्योंकि वो इस देश में रहने के बावजूद, यहाँ की खाने के बावजूद अपने आप को एक किराएदार के तौर पर ही देखते हैं, और वो किराएदार जो कि एक दिन मालिक को उखाड़ कर यहाँ का गजवा हिंद करते हुए इसको एक दारुल इस्लाम बनाने के सपने देख रहा है, लेकिन इस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए चलते चलते अंत में मैं एक खबर आप लोगों को बता दूं, जो लोग खास करके हाथ से हालात बदलने चल रहे हैं। पूर्व आर्मी चीफ जे सिंह ने कहा है कि 2006 में सोनिया गांधी स्वयं ही सियाचिन को चीन को सौंपने जा रही थी। इस बड़े खुलासे के बाद वो लोग जो सोचते हैं कि हाथ से हालात बदलेंगे इस देश के बॉर्डर्स के, तो वो जरा सचेत हो जाएं कि जिनके हालात आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो केवल और केवल अपने हालात बदलने की बात करते हैं, ना कि आपके हालात बदलने की। अब अंत में आप लोगों के लिए प्रश्न के, एक तरफ एक मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक हिंदुओं की हत्याएं होती हैं, जहां पर बूथ कैप्चरिंग होती है, उनको वोट ना करने वाले लोगों को तड़पाया जाता है, सताया जाता है, हजारों लोगों को उनके प्रदेश को छोड़ करके दूसरे बॉर्डर से सटे हुए स्टेट्स में जाकर शरण लेनी पड़ती है, वो जिनके ऊपर एक एनिमेशन बनने के बाद वहाँ की पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए दौड़ पड़ती है, आपसे आपका एड्रेस मांगा जाता है, वो तानाशाह है या फिर वो नेता जिसका एनिमेशन बनने के बाद वो खुद उसको रीट्वीट करके कहता है कि इस प्रकार का ह्यूमर आते रहना चाहिए। आप उन लोगों की बातों पर विश्वास करेंगे जो अपने एसी रूम्स में बैठ करके बताते हैं कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता ही नहीं, या फिर उन माँ बहन बेटियों का वो दुख आप महसूस करते हुए उसको एक्सेप्ट करेंगे जो आप रात दिन अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं? आप उस झूठ के पुलिंदे को स्वीकार करेंगे जिसमें कहा जाता है कि हिंदुओं की इस सत्ता के अधीन मुसलमानों को सताया तड़पाया जा रहा है, या फिर आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे इस प्रकार के मौलानाओं को जो पाकिस्तान से भी फंडिंग लेकर के हिंदुस्तानियों को, खास करके हिंदुओं का सफाया करने के लिए सुपारी ले रहे हैं और आए दिन इस तरीके के कारनामों को अंजाम भी दे रहे हैं? फैसला आपको करना है। अंत में मेरी अपील है कि आप प्लीज़ घरों से निकलें और वोट अवश्य करें। ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह आप लोगों के लिए कितनी कारगर साबित हो रही है हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपने अपनी प्रति अभी तक ली अथवा नहीं यह भी हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।